हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। नॉर्मली दो टाइप के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आते हैं। फर्स्ट इज फिक्स टाइप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड सेकेंड इज मूविंग टाइप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मूविंग टाइप वाले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम लोग रैक इन रैक आउट टाइप वाला सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम फिक्स टाइप वाले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर देखेंगे। फिक्स टाइप वाले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम लोग ड्राई टाइप वाले ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं एंड मूविंग टाइप वाले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सब स्टेशन है और ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 11,000 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं। ये रेड लाइन अर्थिंग के लिए है एंड ब्लैक लाइन सप्लाई के लिए है। ये दोस्तों सप्लाई इंडिकेशन लैंप है। जैसा कि दोस्तों 230 वोल्ट में हम लोग टेस्टर का यूज करते हैं सप्लाई को चेक करने के लिए, वहीं पे हम लोग 11 KV में ये सप्लाई इंडिकेशन लैंप का यूज करते हैं। ये सीमेंस कंपनी का सर्किट ब्रेकर है एंड ट्रांसफार्मर भी सीमेंस कंपनी का ही है। यहाँ से 3 फेज 11 KV ब्रेकर में से निकल कर ट्रांसफार्मर में जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा ब्रेकर ऑन पोजीशन पे है और ये ऑन इंडिकेशन है और जो अर्थिंग है वो डिसकनेक्टेड है। तो अर्थिंग डिसकनेक्टेड है मींस ब्रेकर इस टाइम पे अर्थिंग से नहीं कनेक्टेड है। और ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन दिखा रही है कि मेरा ब्रेकर ऑन है। इससे हमें पता चल गया कि हमारा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है। सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये जो नॉब है, ये अर्थिंग को ऑन ऑफ करने के लिए है और ये जो नॉब है, ये सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए है। ये हैंडल को राइट साइड में करेंगे तो अर्थिंग के लिए और लेफ्ट साइड में करेंगे तो सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए। एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ, ये अर्थिंग के लिए है। अर्थिंग को ऑन ऑफ करना है तो हम लोग राइट साइड में करेंगे और ब्रेकर के लिए लेफ्ट साइड में। और दोस्तों, जब तक मेरा ब्रेकर ऑफ नहीं होगा तब तक हम लोग सप्लाई के डोर को खोल नहीं सकते। इन केस दोस्तों, अगर कोई नॉन इलेक्ट्रिकल पर्सन आता है और उसने ब्रेकर को ऑफ नहीं किया और वो ये जो सप्लाई का डोर है उसको खोलने का ट्राई करता है तो ये डोर नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि हमारा ब्रेकर ऑफ नहीं है। तो डोर ओपन नहीं होगा तो उसके अंदर कोई हाथ नहीं डाल पाएगा। अगर डोर इतनी आसानी से ओपन हो जाता तो कोई अनजान आदमी आके उसके अंदर हाथ डाल देता तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों, ब्रेकर में प्रोटेक्शन दे के रखा है कि जब तक ब्रेकर ऑफ नहीं होगा तब तक उसका डोर हम नहीं खोल सकते। तो अभी मैं आप लोगों को ब्रेकर ऑफ करके दिखा देता हूँ कि प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, ये सर्किट ब्रेकर का हैंडल है। ये हैंडल के थ्रू हम लोग ब्रेकर को ऑन ऑफ करेंगे। तो ब्रेकर को ऑफ करने के लिए यहाँ से ऑफ करना होता है। इन केस मेरे ब्रेकर में 11 KV सप्लाई आती होती और ब्रेकर ऑन होता तो ऑन कंडीशन में हम ये पुश बटन को दबाएंगे तो ब्रेकर खुद भी खुद ऑफ हो जाएगा। तो ये मुझे हैंडल वाली प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मेरे ब्रेकर में 11 KV सप्लाई नहीं आ रही है। मैंने वीडियो बनाने के लिए सप्लाई को कट करके रखा है। 11 KV सप्लाई चेक करने के लिए ये लैम्प टेस्टर है। यहाँ पर अगर लाइट जलती होती तो इसका मतलब 11 KV सप्लाई प्रेजेंट है, बट ये लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब 11 KV सप्लाई यहाँ पर नहीं है। अगर सप्लाई यहाँ पर आता होता तो इस पुश बटन के थ्रू हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं, बट यहाँ पे सप्लाई नहीं है। इसके लिए अभी हमें मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इंडिकेशन में देख सकते हैं, ब्रेकर ऑन पोजिशन पर है और अर्थिंग डिसकनेक्टेड है। तो मुझे सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ करना है एंड अर्थिंग को ऑन करना है। तो ब्रेकर का जो लीवर है उसको लेफ्ट साइड में करेंगे और हैंडल को ब्रेकर के खांचे में डाल देंगे और इस हैंडल को फंसा देंगे और थोड़ा ताकत लगा करके इसको ऊपर उठाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ब्रेकर ऑफ हो गया है। इस इंडिकेशन में भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रेकर के डोर को मैं अभी भी नहीं खोल सकता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे नहीं जा रहा है। तो इसको खोलने के लिए अर्थिंग को ऑन करना पड़ेगा जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाए। अर्थिंग का लीवर भी नीचे साइड में है। जब तक ऊपर न जाए तब तक अर्थिंग कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हैंडल को प्रॉपर लगाएंगे एंड ऊपर उठा देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थिंग क्लोज हो गया और ब्रेकर भी ऑफ है। तो अब हम लोग ये डोर खोल सकते हैं और डोर को खोल के बाहर निकाल सकते हैं। डोर को खोलने के लिए इसको दबाएंगे एंड डोर को ऊपर के साइड उठाएंगे तो डोर बाहर आ जाएगा। अब मैं इसका मेंटेनेंस कर सकता हूं। जैसा कि ये RYB, ये तीनों फेज हैं।
जैसा कि मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि 11 केवी सप्लाई में खाली थ्री फेस आता है, न्यूट्रल नहीं आता है। RYB ये तीनों इनकमर है और ये सर्किट ब्रेकर को गया है और वहाँ से निकल करके ट्रांसफार्मर को चला गया है। अब डोर को वापस लगा देते हैं। तो दोस्तों डोर अंदर बैठ चुका है, अब मुझे ब्रेकर को वापस ऑन करना है। डोर लगा देने के बाद ऑन करने का प्रोसीजर है, पहले हमें अर्थिंग को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। अर्थिंग को डिसकनेक्ट नहीं करेंगे तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा। तो पहले अर्थिंग को डिसकनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लीवर ऊपर साइड में है, मतलब अर्थ साइड में है, तो हैंडल को इसके अंदर डालना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हैंडल यहाँ पे अटक गया है। हैंडल अटक जाने के बाद हैंडल को नीचे खींच लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरा अर्थिंग है वो डिसकनेक्ट हो गया है, बट अभी भी मेरा ब्रेकर ऑन नहीं है। तो ब्रेकर को ऑन करने के लिए हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करने के लिए इसको लेफ्ट साइड में करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लीवर ऑफ वाले साइड में है, जीरो साइड में है और नीचे वन है। तो हैंडल को ऐसा फंसाएंगे और पावर लगा के हैंडल को नीचे खींचेंगे। तो अभी सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अर्थिंग ऑफ है एंड हमारा ब्रेकर ऑन है। अगर दोस्तों यहाँ पे 11 केवी सप्लाई आ रहा होता तो ये लाइट ग्लो हो रही होती। तो इस तरीके से हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि ACB को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, सबस्टेशन में जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो मैंने इस टाइप की बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।